नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण वत्स। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घाटी के अनंतनाग में एक और शोपियां में दो मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन गुट का बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों को अनंतनाग और शोपियां में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में तलाशी अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहीद राजगुरु को संघ का स्वयंसेवक बताया है। संघ प्रचारक और ABVP के हरियाणा में संगठन मंत्री रहे नरेंद्र सहगल की किताब में दावा किया गया है कि राजगुरु संघ की मोहिते बाड़े शाखा के स्वयंसेवक थे। नागपुर के हाईस्कूल भोंसले वेदशाला के छात्र रहते हुए राजगुरु का संघ संस्थापक हेडगेवार से घनिष्ठ परिचय था। किताब में यह भी दावा किया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस संघ से काफी प्रभावित थे। दिल्ली में आज से भारत स्टेज यानी BS6 डीजल और पेट्रोल की ही बिक्री हो रही है और यह देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां सभी पेट्रोल पंपों पर स्वच्छ ईंधन की बिक्री हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि ईंधन अपग्रेड करने में लगी लागत को निकालने के लिए तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकारी तेल कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले की तरह रोजाना तय होंगी। अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और फेमस होस्ट और एक्ट्रेस ओपरा विनफ्रे के साथ स्टेज शेयर करने के लिए तैयार है। कंगना न्यू जर्सी में आयोजित होने वाले गांधी गोज ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगी। अगस्त में होने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति गांधी के विचारों पर इंटरैक्टिव और शैक्षणिक तरीकों से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार रात को कार के टक्कर मार देने से एक 4 मंजिला होटल की इमारत ढह गई। इस भीषण हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कम से कम 20 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा सरवटे बस अड्डे के पास हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।